अभी तक देख चुके हो तो। दो आ गए। हेलो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग और गेम प्ले के साथ में। ओ लास्ट वाला गेम प्ले काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन किसी रीज़न के कारण मेरा जो गेम प्ले है मेरा माइक ग्लिच हो गया उसमें, और मैं रीस्टार्ट करने गया तो मैं एक ही जगह पे फंस गया और मैं हिल ही नहीं पाया वहाँ से, तो मेरे को गेम प्ले मारना पड़ा है खुद को नेट से। तो हम आ चुके हैं नए वाले गेम प्ले में। ओ यहाँ पे लैंड होते हैं हम लोग पोचिंग के अंदर, यहाँ पे लूट वूट करते हो, यहाँ पे देखो एक बंदा दिखाई देता है मेरे को, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, मोली वोली डालता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ, इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ और फिर आता हूँ मैं इधर। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा स्कीम होता है मेरे साथ कि इसका एक बंदा और आता है। और यार एक बात पे और ध्यान देना, यहाँ पे पता नहीं इस गेम के अंदर में जॉयस्टिक बहुत ग्लिच हो रही थी, बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रही थी। अब देखो पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बंदा किसी और बंदे ने इसको मार दिया है, क्योंकि ये काफ़ी देर से हिल ही नहीं रहा था वहाँ से, तो मेरे को लगता है कि ये बंदा नॉकआउट है तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। और उस बंदे का मतलब अचानक से शॉटगन का चिपक जाता है मेरे को फटका, तो बस नॉकआउट हो जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब इन दो बंदों को तो हम लोग मार देते हैं, और यहाँ पे देखना मेरे साथ कितना बड़ा स्कीम होता है। अब देखो केवल मेरे बंदों को देखना मैं क्या हरकतें करता हूँ। चल मैं इनके पास आया हूँ, इनके पास दो बंदे हैं नीचे कर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ कि पहले तो मैं गन स्विच करने करने में पागल हो गया, उसके बाद मैंने हेल्थ किट लगा लगा के पता नहीं कितनी बार छोड़ दी लगती लगती हेल्थ किट। यहाँ पे मतलब मेरी एक तो पिंग हाई आ रही थी, और दूसरी बात मेरी जॉयस्टिक ऐसे काम कर रही थी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा गेम मेरा ऑटोमेटिक चल रहा हूँ। तो यार यहाँ पे एक बोट को और मारता हूँ मैं, और यहाँ पे हमको लगता है कि पोचिंग की पूरी खाली हो चुकी है। अब यहाँ से हम काफ़ी देर पहले निकल चुके होते हैं, मतलब यहाँ से हम निकल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद हमको एक फायरिंग का साउंड आता है यहाँ से, तो हम सोचते हैं कि बोट है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि ये रियल बंदा है। अब देखो इस बंदे को मतलब मेरे किस शॉट से मरता है बंदा देखना बस। अब मतलब मुझे बताओ ये बंदा मरा कैसे, मतलब पहले तो मैंने फायरिंग की और मैंने प्रोन होने के बाद फायरिंग रोक दी थी मैंने, लेकिन अब ये पे पिंग इतनी हाई आ रही है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कब बंदा मर रहा और कैसे मर रहा ना, कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखो काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग आते हैं अपार्टमेंट साइड, क्योंकि इधर से हमको फायरिंग का साउंड आता है। अब यहाँ पर मेरे साथ में फिर से स्कैम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा दिखता है कुकी वुकी, इसको तो मार देते हैं हम रोबोट को। अब यहाँ पे मेरे को पूरे यहाँ पे हम इतनी बार में डैमेज दूंगा, मतलब पता नहीं मैं खुद कितनी बार नॉकआउट हो जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन मेरे को किली नहीं मिलेंगे यहाँ पे, मतलब मैं नॉक कितने करता हूँ देखना और किली नहीं मिलेंगे मेरे को यहाँ पे। अब देखो इतनी देर में अपना जो नंबर टू है ये हो जाता है नॉकआउट, और हम आते हैं यहाँ पे तो हमको दिखाई देता है एक ही बंदा, तो इसको पहले हम लोग नॉक करते हैं और सीधा फिनिश कर देते हैं मारते, क्योंकि देखो यार यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग कब रिवाइव हो जाए बंदे, क्योंकि इससे पहले भी एक बंदा मैंने नॉक करके आया वो तो रिवाइव हो के और रिवाइव भी हो गया, वो तो उसका तो किल आएगा नहीं मेरे को। तो यहाँ पे अब जितने भी बंदे बचे हुए सारे जो मिडिल वाला अपार्टमेंट है जो सामने दिख रहा है आपको 335 पे, इसी अपार्टमेंट में सारे बंदे, अब देखो इनको क्या ही मारते हैं हम लोग। अब यार बीच वाले अपार्टमेंट का क्लिप मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि क्या मतलब बेइज्जती करवा के वहाँ पे मेरे को किल मिलते ही नहीं है। अब एक बंदा यहाँ पे आता है तो ये देखो मेरे सामने से बंदा निकल गया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। बाय द वे यहाँ पे इस बंदे को भी मारते हैं किल, यहाँ पे भी मेरे को नहीं आता है फिर से, मतलब इस मैच में मेरे को बहुत मतलब किल आएंगे लेकिन एंडिंग में आएंगे, जब मैच का चिकन डिनर निकलेगा अपना तब मेरे को किल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपार्टमेंट वगैरह क्लियर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम पास करना नहीं चाहते थे। अब यार ब्रिज वगैरह क्रॉस करके काफ़ी देर घूमते हैं हम लोग, पहले तो बहुत टाइम वेस्ट करते थे घूमने घूमने में, और फिर आते हैं ब्रिज के इधर, क्योंकि यहाँ पे इधर से हमको फ्लेयर का ड्रॉप दिखता है मिलिट्री साइड में, लेकिन हम गाड़ी चेंज करें इतने में हमको हमारे ऊपर आती है फायरिंग और हम आते हैं इस घर में। अब देखना यहाँ पे इन बंदों को पहले तो मैं स्प्रे से नॉकआउट करूँगा, मतलब सारे ऑलमोस्ट पूरी आधी स्क्वाड को मैं नॉकआउट कर दूंगा और किल यहाँ पे भी मेरे को नहीं मिलेंगे। अब मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला स्कीम हो रहा है अपने साथ में। मैं नीचे जा रहा हूँ बस। वॉच आउट। मैं नीचे जा रहा हूँ। इन बंदों को यहीं से बनेगा।
अब यार इस पत्थर के यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है मेरे को, लेकिन वो पीक ही नहीं देता है। मतलब पता नहीं किस बात का डर था उसको, वो इधर स्मोक के अंदर। और मतलब काफ़ी देर में हमने फिर इधर भी टाइम पास किया। मतलब पहले तो बंदे देखिए कोई दिखता ही नहीं है, अब इधर से जैसे ही अपना नंबर नॉक होने को आता है और फिर मैं उधर जाता हूँ। अब देखना इस बंदे को तो मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब देखो इस बंदे को तो मैंने नॉकआउट कर दिया, लेकिन इसका एक टीममेट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको रिवाइव करने के लिए जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई पिंग की वजह से पता नहीं मेरी जॉयस्टिक क्या ग्लिच कर रही है, तो यहाँ पर आपको क्लियर पता चल गया होगा कि देखो मेरी कैसे कंट्रोलिंग हो रही है ना। तो मेरे पहले एम कहाँ गया और आपने देखा ही। चलते अब देखा आपने इनके हर बंदे को मैंने, इनके तीन बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन पिछले दो तो रिवाइव हो जाते और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे किल मिलते नहीं है, ये बंदे पहले इनको स्प्रे से डर लग रहा था, तो ये बंदे देखो निकल जाएंगे। हम थोड़ा आगे जाते हैं, इतने तो ये बंदे भाग ही जाते हैं यहाँ से। मतलब कोई भी टिकने वाला नहीं यहाँ पे, सब भाग जाते हैं यहाँ से। अब देखो इन बंदों को ही हम लोग आगे मारेंगे जाके, लेकिन यहाँ पे तो हमको बिल्कुल भी किल नहीं आते। अब यहाँ पे अपने मारुति के अंदर आग लग गई थी, मतलब बहुत भयंकर वाली आग लग गई थी। तो हमारे पास गाड़ी थी नहीं, गाड़ी के अंदर भी फ्यूल नहीं था, तो हम कैसे भी करके आ जाते हैं यहाँ पे। थ्री सीटर पर बैठ के अभी पैदल पैदल दौड़ दौड़ के आ जाते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे को एक दो बंदे दिखते हैं जो कि अलग अलग है, एक ही स्कोड नहीं है, अलग अलग स्कोड है। तो यहाँ पे इनको तो टेप टेप करके मार देते हैं हम, और यहाँ से हमको कोई एम मिलने वाला था नहीं, यहाँ से हमको मतलब एम इतना मिल नहीं रहा था। तो हम जाते हैं थोड़ा क्लोज करते हैं इनको, क्योंकि जोन भी बन गया था और हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको तीन बंदे दिखाई देते हैं एक स्कोर के, तो इन तीन को तो हम मार देते हैं। लेकिन इनका चौथा बंदा जो कि यहीं पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हम काफ़ी यहाँ पे ढूंढते पहले तो यहाँ तो दिखाई देता नहीं है। लेकिन इस बंदे को ढूंढने के लिए लग जाती है अपना लेजेंड भैया की कुर्बानी। तो जैसे ही लेजेंड मरता है और फिर इस बंदे को मारते हैं। अब यहाँ पे बचते हैं सिर्फ दो ही बंदे जिनको हम डासिया से पहले तो क्लोज इन करते हैं और आराम से मारते हैं दो बंदों को। सो है गाइस, आई होप कि वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, और हम मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप की गेम प्ले देखना चाहते हो, जैसे कि ट्रोलिंग गेम प्ले या फिर कॉमेडी फनी गेम प्ले, तो आप कमेंट करके बता दिया करो यार, आपको वैसे गेम प्ले बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो बस मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।